हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपी भगवान श्री राधा कांत नमस्त थे तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमा हरि प्रिय वान छा कलपतरुपा सिंधु पति पावने वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्रीअंद्रादर्श वर्षादी गौरवृंद

प्रणाम सभी भक्तों को गुरु वैष्णव से हम लोग चैतन्य शिक्षा अष्टगम की चर्चा कर रहे हैं और जो कुछ कहें कृपा करके आप सभी ध्यान से श्रवण कीजिए पहले श्लोक की हम लोग चर्चा कर चुके हैं चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या जीवनम आनंदा अम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णाम सर्वात्म स्नपनम परम विजय थे कृष्ण संकीर्तन बोले श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो परम विजय हो जो जीव को सात प्रकार के फल देता है जिसको कि भगवान ने गीता में पहले ही कहा कि भाई ये जो काम है जिसकी वजह से हमारा चित्त गंदा हो जाता है और उस काम का परिणाम है लोभ जब काम पूर्ति हो जाती है तो लोभ में बदल जाता है उसी काम का परिणाम क्रोध भी है जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध में बदल जाता है वही लोभ पूर्ति होने के पश्चात लोभ से आगे मद आ जाता है और इधर क्रोध से आगे ईर्ष्या आ जाती है तो पांच चीजें हैं काम क्रोध लोभ मात्सर्य और छठवां है मोह जो काम से भी उत्पन्न हो जाता है क्रोध से भी उत्पन्न हो जाता है लोभ से भी उत्पन्न हो जाता है मध से भी उत्पन्न हो जाता है और ईर्षा से भी उत्पन्न हो जाता है तो भ्रम मोहित हो जाना इल्यूजन में चले जाना ये छह गंदगी है जो हमारे चित्त को ढक देती है जिनके बारे में भगवान ने पहले कहा था कि भाई अर्जुन तुम तो इस काम को मारो इन सब की जड़ है काम बोले काम क्या करता है ये अविद्या रूप से अंधकार के रूप से हमारे चित्त में जो ज्ञान शक्ति है उसको ढक देता है और फिर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता हमारी बुद्धि भी हमारा साथ नहीं दे पाती फिर बुद्धि एक ऐसा तलवार है जिसको ज्ञान की तलवार कहते बुद्धि वो शक्ति है जो ज्ञान को धारण करती है और प्रभुपा जी ज्ञान की तलवार करके एक पुस्तक भी लिखे हैं ज्ञान वो तलवार है जो अज्ञान का नाश कर देती है लेकिन ये टग ऑफ वार होता है कई बार अज्ञान ज्ञान की तलवार को चुरा ले जाता है आप देखेंगे जैसे कोई चोर आए और आप अगर बंदूक लेकर के सो रहे या चाकू लेकर सो रहे या तलवार लेकर के सो रहे हैं आपके पास में ही रखा हुआ है और चोर आया चोर ने क्या किया सबसे पहले लाइट बंद कर दिया या बल्ब को फोड़ दिया या तार खींच दिए जैसे ही ऐसा होता है एकदम से अंधेरा छा जाता है काम रूपी चोर क्या करता है आता है और आकर के सबसे पहले अंधेरा कर देता है और फिर वो क्या करता है हमारे आसपास में जो हमारा हथियार रखा था जिसके वजह से हम चोर को मार सकते थे वो हथियार को अपने तो कब्जे में कर लेता है और हम सोए रहते हैं तो इसका फायदा उठाता है वो हथियार को अपने कब्जे में कर लेता है रस्सी लेकर के आता है और हाथ पैरों को बांध देता है चारपाई के साथ ही और फिर हमें लूट लेता है ये चोर की खासियत होती है जबकि हमारे पास बंदूक थी छोरी थी तलवार थी लेकिन सब उसने अपने कब्जे में कर लिया और अंधेरे का फायदा उठा करके हमें अगर कुछ हाथ में भी पड़ गया तो मारे कहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा सामने वाला व्यक्ति तो अंदर छुप जाता है तो भगवान कहते हैं इस चोर को अर्जुन तो मार डालो ये कहाँ रहता है बोले ये 12 जगह पर रहता है शरीर के अंदर 12 जगह पर ये काम रूपी चोर छुप जाता है कौन सी 12 जगह है बोले ये शरीर के अंदर जैसे अच्छा बिल के अंदर सांप घुस जाता है कितना जहरीला है लेकिन उसको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है ऐसे ही काम बाहर तो है ही मार्केट में अलग अलग दुकानों पर बढ़िया सजे हुए आइटम रखे रहते हैं उन सब जगह पे काम अपना धंधा चलाता है सब उसके अड्डे हैं बाहर तो फिर भी लोगों को दिखता है कि भाई हाँ जैसे प्रभुपा जी एक बार एक आ, क्लब में गए कहीं तो वहाँ डांस वांस चल रहा था भक्त लोग ले गए थे वहाँ प्रचार प्रसार के लिए तो प्रभुपा जी बोले चलो यहाँ से ये ब्रह्मचारी लोगों के लिए अच्छी जगह नहीं तो है। रुपा जी को एक बार फिर प्रभु को पूछा कि हम जा सकते हैं क्या बहुत डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए यहाँ पर प्रोपा जी ने कहा चले तो जाओगे लेकिन वापस आने की संभावना काम है <laughs> ऐसे ही हम मत जाओ वो जगह अच्छी नहीं तो संसार में ऐसे बहुत सारे अड्डे हैं और तो फिर भी उदारता तो के कारण सब जगह प्रचार प्रसार करना चाहते हैं काम के मार्केट में तो सब अड्डे है ही बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला सजे धरे रहते हैं बर्फी लगी हुई है जलेबी लगी हुई है मेरे को जो आइटम पसंद है वही सबसे पहले मेरे को याद आता है तो बाकी कितनी सारी वैरायटी पतंजलि की दुकान में चले जाओ कहीं भी किसी भी दुकान में चले जाओ सब सजा दजा करके हर चीज को रखते हैं वो क्या है बोले काम को जागृत करते काम मतलब इच्छा इस तरह से सजाते हैं कि व्यक्ति के अंदर इच्छा जागृत हो जाए कोई भी शरीर के स्तर की इच्छा है वो केवल काम कुछ वो केवल गंदगी है उसको ला करके फिर घर में ले आता है व्यक्ति और अपने हृदय पर चढ़ा लेता है उससे क्या है चित्त गंदा हो जाता है तो ना केवल बाहर ये है अंदर भी है अंदर में कहा है बोले दसों इंद्रियों में है हमारे पास दस इंद्रिया है पांच ज्ञान इंद्रिया है पांच कर्म इंद्रिया है इन दसों इंद्रियों में काम बैठा रहता है ऊपर से हमारे मन में भी बैठा रहता है और ऊपर से बुद्धि में भी बैठ जाता है बुद्धि को भी ले लेता बुद्धि वो बंदूक है जिसकी वजह से हम इस काम को मार सकते थे जो मन की ईश्वर है मन की स्वामिनी है लेकिन वो मन मार सकता है जो जागृत है जो मन सोया हुआ है उसका तो बंदूक छिन जाएगा और फिर उस बंदूक का उपयोग कैसे करेगा वो बंद जाएगा उल्टा बुद्धि हमारी जब उसी के पास चली गई तो वो जैसा कहता है फिर वैसा और करते हैं तो वो कहे और कुछ बचा हुआ बोले हाँ बचा हुआ यहाँ यहाँ ये ये चीजें बची हुई ये भी ले जाओ तो, तो उल्टा चोरी करवाता है फिर व्यक्ति <laughs> और बड़ा खुश होता है कि अच्छा हुआ मेरा यहाँ कुछ भी नहीं छूटा ये सामान भी मैंने पकड़ा दिया ये सामान भी मैंने पकड़ा दिया ये भी मैंने पकड़ा दिया कैसी विचित्र बात है बुद्धि उसके कब्जे में आए ही जैसे बुद्धि मतलब गन किसी चोर के कब्जे में आ जाए कन पट्टी पर रख दे और फिर बोले कि निकालो जो कुछ भी तो आदमी मरने के भय से सब कुछ निकाल के दे देता है और जब मन उन्हीं लोगों के साथ मिल जाता है तो फिर तो उन लोगों के साथ ही पार्टी भी करता है अपने घर को लुटवा देता है एक प्रकार से तो हमारी दशा कुछ ऐसी मिलती जुलती है जिसमें हमारी इन बारह जगहों पर काम ने अड्डा जमा रखा है और इतना अंदर गहरा छुपा हुआ है कि हमें पता ही नहीं चलता है <स्था> इतनी प्रबल इच्छाएं हमारी एक एक इंद्रियों को लेकर के जागृत हो जाती है कोई बढ़िया सा पेंटिंग देखता है तो ओहो काश मेरे घर में लगी होती मेरे कमरे में लगी होती कोई खाने का आइटम देखता है समोसा वगैरह जैसे दिमाग में आएगा ना तुरंत एकदम से मुंह खिल जाएगा पानी तो आ ही जाता है चाहे आइटम नहीं है लेकिन काम अंदर बैठा है ना वो मुंह खिला देता है वो पानी पैदा कर देता है चित्त के अंदर तो ये सब गंदगी है इसका अब गंदगी को व्यक्ति को दिखाई नहीं देती है तो उसका क्या भला कोई कर सकता है इसको कहते पश्चन नपी पश्चती देखने के बावजूद भी दिखाई नहीं दे रहा है आइडियली देखा जाए तो कौन सा शरीर का ऐसा अंग है हमारे जीवन में हाँ जो शरीर से मल नहीं निकलता हो जो शरीर मल से भरा नहीं चाहे आंख है नाक है कान है मुंह है शरीर का प्रत्येक अंग मल से भरा हुआ है हम लोग सुबह सुबह अपना मल त्याग करते हैं तो क्या पता चलता है वहां कोई व्यक्ति ऐसा फील करता है कि मेरे शरीर में मल नहीं है हर व्यक्ति शुद्ध रूप से भी मल तो त्याग करता ही है ना तो शरीर में क्या भरा कहा से निकला वो मल हमारे ही शरीर से निकला लेकिन फिर भी दूसरे रूप को देख करके कैसी आसक्ति हो जाती है कैसा काम अंदर बैठा हुआ है भुला देता है कि ये मल है मल चित्त में होने के कारण शरीर का मल भी नहीं दिखाई देता है शिव शंकर भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रोज सुबह में मल त्याग करने के लिए जाता है और फिर भी उसको शरीर से वैराग्य नहीं होता उस शरीर को सजाता वो उसको कोई नहीं सुधार सकता है, उसको, उपदेश देने का कोई मतलब नहीं है। तो उसको यही सेंस नहीं हो पा रहा है कि मेरा शरीर कितना गंदा है वो तो दूसरे के शरीर के प्रति आकर्षित होता है दूसरे लोग उसके शरीर के प्रति आकर्षित होते हैं तो केवल शरीर में एक प्रकार से मल युक्त शरीर में जो काम रूपी गंदगी है उसने इस मल को देख करके भी देखना हमें बंद करा दिया है हमारे चित्त में अंधेरा पैदा कर दिया है इसलिए हमें ये गंदगी गंदगी नहीं दिखती यमुनाचार्य कहते हैं जब भी मेरे दिमाग में कभी महत्वपूर्ण का विचार आता है तो मेरा मुंह सिकुड़ जाता है और मेरे को थूकने की इच्छा होती क्योंकि वो गंदगी है ना तो पहले गंदगी अगर हमें दिखाई देगी काम की तो फिर हमारे शरीर में से जो मल निकल रहा है वो भी हमें दिखाई देगा और जब वो दिखाई देगा तो उससे घृणा उत्पन्न होकर फिर शरीर से भी घृणा उत्पन्न हो जाएगी फिर समझ आएगा कि यार शरीर को जैसे तैसे करके चलो भगवान की सेवा में लगा करके इसको शुद्ध किया जाए नहीं तो गंदगी नहीं देखने पर ये निरंतर बहु में लगा रहेगा तो ये ढक देता है हमारे को आवृतम ज्ञान में दिन ज्ञान नित्य बैरण अंधेरे से ढक देता है बंदूक छीन लेता है बुद्धि ले लेता है और फिर हमें अनंत काल तक तड़पाता है ये सब श्री कृष्ण संकीर्तन से ये सारी समस्या की जड़ ही है और ये श्री कृष्ण संकीर्तन हमें गंदगी से मुक्त करता है दर्पण फिर अपने आप सारी सीढ़ियां अपने आप आगे बढ़ती चली जाती हैं ये किए बिना कोई सोचे मेरा भाव महादे नहीं मुक्त हो जाऊंगा नहीं हो सकता ये किए बिना कोई सोचे मेरे कल्याण के फूल सारे खिल जाएंगे कभी नहीं कल्याण का कोई फूल नहीं वाला कोई गुण आए गुन आएगा ही नहीं कोई सोचे मैं मेरा जीवन कब बनेगा कृष्ण नाम संकीर्तन कब मैं ऐसा स्थिति में आऊंगा देखो ही थोड़ी ना भक्त लोग एकादशी आदि के लिए जागरण कर लेते थे और एकादशी क्या महाप्रभु तो अपने पार्षदों को लेकर कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जिस दिन वो जागरण नहीं करते थे और हम लोग जागरण को लेकर के कि कितने टेंशन में आ जाते हैं ऐसा लगता है कि हाँ रात को जागरण करना है तो एकादशी के दिन पूरा दिन भर सोएंगे सब रात को जागरण होगा और अगर भाई चांस जागरण एकादशी को कर भी लिया एकादशी का पूरा दिन सोने के बाद हा कर भी लिया तो दूसरे दिन जैसे ही द्वादशी आएगी बोले अब द्वादशी अब पूरा दिन सोएंगे क्योंकि द्वादशी ना रात को जागरण किया था जागरण से पहले पूरा दिन सोना और जागरण के बाद पूरा दिन सोना मतलब पूरी एकादशी और द्वादशी दोनों दिन सोने में जाते हैं और दसवीं टेंशन में जाता है कि कल एकादशी है इसलिए आदमी वैसे सो जाता है मूर्छित हो जाता है जबकि जागरण के लिए इतना उपदेश दिया जा रहा है तो इसका मतलब थोड़ी कि दिन में आपको सोने की छूट दी जा रही है दिन में भी नहीं सोना रात को भी नहीं सोना इतना कष्ट उठा करके थोड़ा यत्न पालन करे तो कैसे कर पाते थे वो लोग तो रोज एक दिन नहीं रोज तो आचार्य लोग भक्त लोग ये लोग ऐसा नहीं कि एकादशी के दिन आराम से सोएंगे फिर रात को जागरण करेंगे फिर द्वादशी के दिन छक्के नाम से वो आनंद की अनुभूति करते थे केवल एकादशी कोई लोग नहीं कर लेते महाप्रभु का जैसे मैंने बताया अपने पार्श्व रोज रात को जागना और दिन में भी जागरण करना दिन में भी उदिल अरुण पूर्व भागे पूर्व भाग में जैसे अरुणोदय होता था महाप्रभु द्विज मनी गौर आमनी जागे महाप्रभु अपने पार्षदों को लेकर के निकल पड़ते थे और गेला नगर ब्राज़ी नगर में ब्रजन करने के लिए ब्रज ब्रज मतलब चलना नगर में कीर्तन करने के लिए निकल जाते थे अब जागरण करने वाला व्यक्ति सुबह जैसे हो जाएगी अब बस बोले हो गई सुबह उदय लो अरुण पूरा भागे और हम लोग जैसे पूरा भागे वैसे हम बेड पर भागे तो हमारी दशा अलग है हमारे जीवन में कृष्ण नाम संकीर्तन ऐसा जीवन नहीं बन पाता हमारा जीवन तो नींद बनी हुई है हमारा जीवन आहार बना हुआ है हमारा जीवन भय बना हुआ है हमारा जीवन मैथुन बना हुआ है हम इन सब चीजों के लिए अपने जीवन को केंद्रित कर देते हैं हमारा जीवन कृष्ण नाम संकीर्तन तभी बनेगा जब हमारे जीवन में गुण आ जाएंगे श्रेय खिल जाएंगी तभी जीवन बन पाएगा ये सब सिस्टमेटिक लक्षण हमारे चित्त में प्रकट होते हैं पहला सबसे चेतो धर्पण होगा और दूसरा उसके बाद तीसरा फिर चौथा फिर आनंद आम अम्बुदिवर्धनम अवश्य आएगा फिर प्रति पदम पूर्ण आस्वादनम और फिर छठ मतम स्नपन पदम विजय श्री कृष्ण संकीर्तम इस बात को समझना पड़ेगा और सबसे बड़ा रोग हमारा चित्त का ही है <laughs> जैसे कबीरदास कहते हैं मानस रोग बहुत मैं गाए बोले मानस रोगों को जिनको कि मैंने बहुत गाया बहुत बताया कि भाई एक दो रोग नहीं है कितने रोगों से भरा पड़ा है हमारा गंदा मन हैं सबके हाँ, लखे बिरले पाए बोले ये रोग हैं तो सबके अंदर लेकिन कोई कोई बिरला व्यक्ति उसे देख पाता है हाँ जैसे भाषण तो हमने दे दिया लेकिन भाषण देने वाला ही नहीं देख पा रहा है तो सुनने वाले लोग कितना देख पाएंगे लेकिन कुछ सुनने वाले अच्छे भक्त होते जैसे आप लोग हैं जैसे शुद्ध गोस्वामी शुद्ध गोस्वामी जब प्रवचन दे रहे थे तो उनके सामने सोना खादी ऋषि प्रवचन सुन रहे थे और सब बहुत बड़े विद्वान महात्मा लोग थे शंकर भक्त और नारद जी सुन, सुन रहे थे तो ऐसे अच्छे भक्त श्रोता भी हो सकते हैं लेकिन जिनको ऐसी स्थिति नहीं है जो सोता है श्रोता नहीं है अब जो वक्ता है उसी को समझ नहीं आ रही तो श्रोता को कैसे समझ आएगी और श्रोता की तो चोरी हो जाएगी उल्टा तो हमें ये चीज समझनी होगी कि हमें मन के रोगों को दूर करना है मन का ही आधार चित्त है और चेतो दर्पण मार्जनम से ही ऐसा संभव होगा और ये कृष्ण कीर्तन से ही संभव है दूसरे श्लोक की हम चर्चा कर रहे थे नाम, नाम कारी बहुत निज सर्वशक्ति नाम आकारी भगवान ने अपनी सारी शक्ति जिनके अनंत नाम है बहुधा जिनके बहुत सारे नाम है सर्वशक्ति उन्होंने सारी शक्तियों को तत्र अर्पिता उनके अंदर अर्पण कर दिया है लेकिन मेरा दुर्दैव दुर्दैव में, में हाजनी, ना मेरे हृदय में अजनी जन्म नहीं हो पाया किसका अनुराग का जन्म नहीं हो पाया इतना वरदान देने वाला सर्वोत्कृष्ट साधन जो भगवान श्री कृष्ण को जन्म जनाने वाला जो श्री कृष्ण को देने वाला बोले वो श्री कृष्ण परम धन को देने वाला उसमें भी मेरा अनुराग नहीं हो पाया हमारा अनुराग तो है काम वाली चीजों में है प्रेम जागृत नहीं हो पाया तो काम की चीजें जैसे ही सो so कॉल्ड काम मतलब संसार में इंद्रियों को लेकर के तृप्ति की जो इच्छा है वो हमें प्रसन्न कर देती है तो कितना अनुराग नाम लेने से ही आदमी खुश हो जाता ऐसे नाम लेने से हरे कृष्ण बोलने से हम खुश हो पाते हैं क्या आचार्य लोग खुश हो जाते हैं भक्त लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन मेरे जैसे दोस्त लोग सोचेंगे कि अरे यार ये और जपना पड़ेगा, कब पीछा तो बोले अनुराग के अभाव के कारण ऐसा है अनुराग नहीं हो पाया अनुराग क्यों नहीं हो पाया बोले दुर्दैव है दुर्दैव मतलब अभागे है दुर्भाग्य दुर्भाग्य का कारण क्या है जबकि बताया गया था कैसे भी नाम ले लो भाई अजाम आदि की तरह नाम ले लो और देखो उनको परिणाम आया खाई थे सुई थे उठी थे बैसी थे यथा तथा नाम ले देश का नियम नहीं सर्व सिद्धि हो नियमित स्मरण न काल ऐसी सुविधाजनक स्थिति में भी हमारा मतलब तो इतना बड़ा वरदान देने वाला नाम फिर भी हमारा अनुराग नहीं है अनुराग नहीं तो परिणाम में क्या है हमारा नाम वो फल नहीं देता देखो भगवान ने बार 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 गीता में कहा है श्रद्धा के साथ भजन कर बिना श्रद्धा के वो भजन ऐसा है जैसे गीता में भगवान ने सत्रह में अध्याय बताया है कि तुम जो कुछ भी करते हो दान देते हो लेकिन आखिरी श्लोक के आसपास भगवान बता रहे हैं अश्रद्धया होतम तबतम तपस्तम कृतम चाहिए अश्रद्धा के साथ अगर कोई कुछ भी करता है अश्रद्धा मतलब उस चीज में रेस्पेक्ट नहीं होना श्रद्धा का आ, एक मीनिंग है रेस्पेक्ट श्रद्धा जहाँ होती है वो सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करता है और श्रद्धा आगे बढ़ती चली जाती है बढ़ती चली जाती है और स्ट्रांग बन जाती है और गाड़ी हो जाती है तो फिर वो समर्पण में बदल जाती है सरेंडर कर देता है लेकिन शुरुआत समान से होती है जैसे कोई बच्चा आया और आ, माता पिता के पास उसी समय कोई अतिथि आ गया कोई नाते रिश्तेदार आ गया तो माता पिता उस व्यक्ति का श्रद्धा से स्वागत सत्कार करते हैं राम राम श्याम श्याम करते हैं दूसरी ओर जो बच्चा उसको बेटा तू राम राम कर दे तो प्रणाम करता है क्या इतना आसान नहीं होता वो प्रणाम नहीं करता उसके अंदर वो सम्मान नहीं है उनके बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके उसको चॉकलेट दिखाओ या उसको डांटो फटकारो या तब पढ़ दिखाओ तब जाकर के वो प्रणाम करता है अर्थात उसके अंदर श्रद्धा नहीं श्रद्धा मतलब सम्मान अब वो लोग तो खुश हो गए लेकिन वो बालक सोच रहा है अरे यार ये और आफत आ गई इसको प्रणाम करना पड़ेगा ऐसी हालत हमारी है कि हम लोग जो जप करते हैं कीर्तन करते हैं इसको आफत के रूप में लेते हैं अरे प्रभु जी और आकर के यहाँ बैठ गए या गुरु जी आकर के बैठ गए अब अपने को सुबह मंगल आरती में उठना ही पड़ेगा ये आफत आ गई तो बड़ी मुश्किल से जाकर के मंगल आरती में खड़े हो जाते हैं फिर वाले नाचना पड़ेगा नाचना भी आफत है अरे अब जब भी करना पड़ेगा जब भी बहुत बड़ी आफत अरे अब तो कथा सुननी पड़ेगी बहुत बड़ी आफत बार बार एक एक चीज के लिए घड़ी देखना पड़ता है ये दर्शाता है कि हमारे अंदर श्रद्धा नहीं हमारे अंदर इन चीजों के प्रति सम्मान नहीं हमारा इन चीजों में प्रेम है ही नहीं अनुराग है ही नहीं तो सम्मान भी नहीं सम्मान नहीं तो अनुराग नहीं तो दोनों एक दूसरे के पूरक है दिखाता है हमारे तो लिए सब चीजें तो तो राख में आहुति दी जाए आग जली नहीं रहे तो आहुति देने का क्या मीनिंगे उससे थोड़ी ना कोई यज्ञ संपन्न हो जाएगा अरे पहले लकड़ी लाओ उसको लकड़ी को जलाओ जलाने के बाद आप सामग्री डालो घी डालो ऐसी आहुति दो तो साउती का मीनिंग है ऐसे आपने तपस्या किया यज्ञ किया दान किया पुनः किया जो कुछ भी किया लेकिन श्रद्धा नहीं थी तो आग जली नहीं रही थी वो तो भुजी हुई राख पड़ी हुई है वहाँ उसमें आप डालने जा रहे हो तो उससे आपको बहुत ज्यादा लाभ की प्राप्ति नहीं है इसी कारण से हरिनाम हमको फल नहीं देता जो हरिनाम किसी भी दशा से फल दे सकता था लेकिन वो हरिनाम श्रद्धा के अभाव में हमें फल नहीं देता परिणाम व्यतीत हो जाता है तो भगवान क्या कह रहे है? बोले दुर्दैव दुर्दैव हमारा है कहां से आया ऐसी अश्रद्धा का हमारे अंदर कहां से आया बोले ऐसी अश्रद्धा का दुर्दैव नाम अपराध करने से आया बोले श्रद्धा कहां से आती है श्रद्धा की दो ही दुकाने एक तो भगवान से आती है एक भगवान के भक्तों से आती है तो अगर हमें श्रद्धा चाहिए तो भगवान के भक्तों के पास जाना पड़ेगा सीधे सीधे तो भगवान के पास जा नहीं सकते हमारे लिए भक्तों के पास जाना सहज है तो भक्तों के पास जाना पड़ेगा तो भक्तों के सानिध्य में रहेंगे तो बड़ी आसानी से श्रद्धा मिल जाएगी लेकिन भक्तों के पास जाते हैं होता क्या है दरवाजा खोला बिल्ली भगाने के लिए और बिल्ली तो भागी नहीं लेकिन घुस जाता है तो फिर वो और ज्यादा समस्या पैदा कर देता है आइडियली हम गए थे भक्तों की संगति करने के लिए लेकिन भक्तों की संगति करने के लिए जब गए तो वहाँ भक्तों के प्रति अपराध करने लग गए उससे अच्छा तो पहले ही ठीक थे एक प्रकार से तो भक्तों के साथ अपराध करने लग जाते हैं अपराध का अर्थ क्या है उन भक्तों की निंदा करते हैं और ये हमारी आदत पड़ी रहती है पहले से ही रामायण की चर्चा करने की अड़ोसी पड़ोसियों की घर खानदान की सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाकर के चर्चा रोज की होती रहे तेरे को पता है उसने ऐसा बोला तेरे को पता हुआ ऐसा है, पता है तेरे को उसने ऐसा किया तो पता है तेरे को उसने वैसा किया तो केवल यही बिना मतलब तो वो आदत की हमें वृत्ति पड़ी रहती है तो उस वृत्ति के कारण जैसे ही हम भक्तों के बीच में जाते हैं वहां भी वही धंधा चालू कर देते हैं भक्त लोग हमें बार बार समझाते हैं कथा सुनाते हैं चीजों को स्पष्ट करते हैं लेकिन फिर भी हमारी खोपड़ी में तो चीजें स्पष्ट होती नहीं क्योंकि अभ्यास पहले से अच्छा खासा पड़ा हुआ है निंदा चुनी करने का तो सबसे पहला नाम अपराध है वो होगा भक्तों के प्रति निंदा करना उन भक्तों की निंदा करना जिन्होंने अपना सारा जीवन भगवान नाम के प्रचार प्रसारित तो और समर्पित किया है यहीं से हम अपने पैरों पर खुद को लाड़ी मार लेते हैं तो बहुत आवश्यक है कि हम भक्तों की संगति तो करें अब देखो ये अपराध तभी होगा जब पहले भक्तों के बीच में जाएंगे अब भक्तों के बीच में जाएंगे नहीं तो अपराध कहां से होगा जिन लोगों के बीच में रहेंगे उन्हीं से तो झगड़ा होगा भाई ऐसा तो नहीं रह रहे, रहे हैं यहाँ तो दस के मिनट किलोमीटर दूर जाकर करके उससे झगड़ा करेंगे और फिर वापस आकर के अपने घर में रहेंगे ऐसा थोड़ी होता है या तो अड़ोसी पड़ोसियों से झगड़ा होगा या फिर अपने घर में झगड़ा होगा जहां पर हम रह रहे हैं तो हमें भक्तों के बिना तो प्राण धारण कर ही नहीं सकते भक्तों के बिना तो भक्ति आएगी नहीं और बिना भक्ति के तो फिर हम हा भक्ति हीन विरंज के भक्ति के बिना ब्रह्मा भी क्यों नहीं है बोले सब प्राणी प्रिय सोई बोले सब प्राणियों के जैसे ही प्यारे हैं मेरे को अर्थात ब्रह्मा जिसके अंदर भक्ति नहीं है और चीटी जिसके अंदर भक्ति नहीं है तो बोले मैं जितना चीटी को प्यार करता हूं उतना ही प्यारा मेरे को ब्रह्मा भी है जितना मैं मच्छर को प्यार करता हूं उतना ही प्यारा ब्रह्मा भी है जितना मैं कुत्ते को प्यार करता हूँ उतना ही प्यारे ब्रह्मा भी है उससे ज्यादा प्यार नहीं मिलेगा तो सारा प्रेम का जो प्राप्ति है वो तो केवल भक्ति के आ जाने से प्राप्ति होगी तो भक्ति कैसे मिलेगी अर्थात फिर हम कुत्ते बिल्ली की तरह ही है भगवान की नजर में उससे ज़्यादा प्यार नहीं मिलेगा हमको हमें अगर भगवान चाहिए भगवान का प्यार चाहिए तो हमें भक्ति लानी पड़ेगी अपने में भक्ति के बिना तो फिर बोले मुर्दा भी हम तो केवल कुत्ता बिल्ली नहीं खा बोले जिन हरि भगत हृदय नहीं आई आनी हाँ सो सब सब समान समान है प्राणी। प्राणी बोले वो है, मुर्दे के समान है मक्खी मच्छर कुत्ता बिल्ली पेड़ पौधा भक्ति के बिना जब उनकी तुलना तो की जा रही है तो मुर्दे के साथ तुलने में कोई बड़ी बात नहीं है बोले वो तो मुर्दा है जिसके हृदय तो में भक्ति नहीं आई आज जैसे मान लो आज की स्थिति में हम लोग अगर रोटी नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे जीवन जीना है रोटी खानी पड़ेगी रोटी खानी पड़ेगी तो रसोई में जाना पड़ेगा रसोई में जाना पड़ेगा तो गैस चालू करनी पड़ेगी गैस चालू करनी पड़ेगी तो आग चलेगी तो भोजन पका पाएंगे तो पकाने के लिए आवश्यक है कि अग्नि की जरूरत है हमें लेकिन अग्नि की जरूरत तो भोजन के लिए हमें उपयोग में लानी चाहिए जाकर के रोटी डालने की वजह सीधा अपना हाथ ही डाल देंगे तो हाथ तो जल तो के राख हो जाएगा तो अग्नि के बिना रह भी नहीं सकते मर जाएंगे और अग्नि के साथ सावधानी से हैंडल नहीं किया तो भी मर जाएंगे ऐसे ही भक्त हैं अगर भक्तों के बिना हम सोचे अरे भक्तों के बिना तो भक्तों के साथ तो अपराध हो जाएगी तो बहुत खतरनाक मामला है तो इसलिए हम भक्तों के बिना ही रहते बिना भक्तों के रहेंगे तो भी मर जाएंगे क्यों भक्ति नहीं है और भक्ति नहीं है तो फिर मक्खी मच्छर जैसा जीवन है मक्खी मच्छर पेड़ पौधे तो जैसा ही जीवन नहीं वो तो मुर्दे जैसा जीवन है तो हमें जिंदा होना है अगर जीवित रहना है तो हमें भक्ति चाहिए ही चाहिए भक्ति चाहिए तो भक्ति भक्तों की संगति में मिलेगी लेकिन उस अग्नि की तरह भक्त हैं जिसको सावधानी से उपयोग करो तो आपको जीवन दान दे देती है और अगर अग्नि की तरह अंश का माता क्या भोग लगा रहे हैं आप मिठाई का पूरा ऐसे, ऐसे मत भोग लगाया करो मेरा मन उधर चला जाता है तो देखो पता नहीं विषय छूट गया ये तो मैं बता रहा मैं कैसे मेरा कैसे भला होगा तो जीवन में आ, भक्तों के बिना काम भी नहीं चलेगा भक्त लोग उस अग्नि की तरह हैं जो भोजन को पका के दे देते हैं ऐसी पकी पकाई भक्ति हमको मिल जाती है भक्तों के सानिध्य में जाने से लेकिन वो भक्त उस अग्नि की तरह हमें जला के राग भी कर देते हैं हम ध्यान कहीं और है हमारा और आग के संपर्क में हम कार्य कर रहे हैं तो वो आग जला देती तो जो पहला नाम अपराध है ये संभावना तब बनती है जब हम भक्तों के सानिध्य में आते हैं इसलिए सबसे पहले तो भक्तों के सानिध्य में आना होगा लेकिन उसके बाद सावधान रहना पड़ेगा तब हमारा दुर्दैव जो सबसे खतरनाक है वो पहले नाम अपराध से उत्पन्न होता है वहीं से सब चीजें आगे चालू हो जाती है जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे पिछली बार की आपस में भक्तों की चर्चा करना भी एक मैनेजर के लिए वो भी खतरे से खाली नहीं होता अरे ये झाड़ू नहीं लगाता इसको सेवा दे ये से झाड़ू लगाता इसलिए इसको सेवा देते उस समय भी एक दूसरे भक्त की निंदा हो जाती है कि ये भक्त भोला भाला तो है लेकिन भोला भाला के साथ साथ बोले अरे हमने सुना था लेक्चर में भक्त को तो भोला ही होना चाहिए और भोले लोगों के भगवान मिल जाते हैं तो बोले प्रभु जी आप जानते नहीं ये भोला भाला तो है लेकिन साथ में भोला भाला भूलने वाला ये भूल भी जाता है इसको कोई सेवा दो तो बोला गया सिंपल सा काम दिया भाई थोड़ा सा चार्जिंग में लगा देना स्पीकर को शाम को संकीर्तन में जाना है और जैसे उठा कर भूल गया प्रभु जी ऐसे बहुत सारे भोले भाले होते हैं लेकिन भोले भाले भूलने वाले ऐसे भूलने वाला जैसे बोल दिया बोले वैसे ही नहीं हो गई उस वक्त की कई बार करना पड़ता है ना चाहते हुए भी करना पड़ जाता है लेकिन अपराध से अगर बचना है तो उसके लिए एक ही सिद्धांत है कि हमारा पहले राध हो जाए राध मतलब प्रेम और अपराध मतलब अपगति राधा इति अपराध अपगति मतलब उल्टा हो जाना अर्थात हमारा पहले भगवान के भक्तों में प्रेम होना चाहिए और प्रेम में कोई उल्टा कर दे बोले वो अपराध कहलाता है ऐसा कोई कार्य जिससे हमारा प्रेम टूट जाए उसे अपराध कहते हैं तो प्रेम में क्या सोचता है आदमी सामने वाले व्यक्ति के प्रति उसका हित का सोचता है या अहित का सोचता है जब कोई व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके हित का सोचता है तो जब हम किसी भक्त के हित का सोचते हैं और हित का सोचते हुए कभी डांट फटकार लगाते हैं कभी उसकी बुराई करते हैं लेकिन अंदर हित का सोच करके अगर कर रहे हैं बोले वो अपराध नहीं है ध्यान रखना इस बात को क्योंकि हम तो अब जैसे माँ यशोदा मैया है तो वो तो जाकर के भगवान को डंडा मारने के लिए उठा लिया नहीं। पीछे भाग रहे हैं उनको दंड देना चाहती है तो फिर तो देखा जाए तो बहुत बड़े अपराधी ऐसे असुर लोग हैं वो लोग भी ऐसे ही भगवान को मारना चाहते हैं यशोदा मैया भी डंडा लेकर के मारना चाह रही है लेकिन डंडे के पीछे यशोदा मैया का हित है और दूसरी ओर दूध के पीछे पूतना का अहित है वो दूध पिला रही है मारने के लिए ऐसे नहीं मार रही है वो बाह्य दृष्टि से बाह्य दृष्टि से दूध पिला रही है लेकिन अहित है बोले उस अहित के कारण उसका अपराध मान लिया जाता है और हित के कारण यशोदा मैया का अपराध नहीं माना जाता तो हम किसी भक्त का हित चाहते हैं इंटरनली और उसके चलते हमें क्रोध करना पड़ता है उसके दोष को बताना पड़ता है तो बोले वो अपराध नहीं लगेगा लेकिन जब हम किसी की टांग खींचना चाहते हैं और किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं उसके लिए मीठा मीठा बोल रहे हैं तो भी अपराध लग जाएगा कड़वा बोलेंगे तो फिर तो कहना ही क्या फिर तो भारी वाला अपराध लगेगा ही लगेगा मीठा बोलना मीठा व्यवहार लोभ लालच का व्यवहार वो भी हानिकारक हो जाएगा इसलिए भगवान से कोई चीज छुपी नहीं तो हमें भक्तों से प्रेम करना होगा जब हमारा भक्तों से प्रेम हो जाएगा तो हमें फिर निंदा छुकली हमारी समस्या नहीं बनेगी ये ध्यान रखना होगा और फिर उसके बाद दूसरा नाम अपराध आता है ऐसे दस नाम अपराध हैं जो सबसे पहले भक्तों से शुरुआत होती है दूसरा नाम अपराध है शिव ब्रह्म आदि देवों को भगवान नाम के समान अथवा स्वतंत्र अरे इस अर्थ ये लेना चाहिए कि जब तक हम हाँ, इंडिपेंडेंट होकर के अपने जीवन जी रहे हैं जबकि शिव ब्रह्मा भी जीवन नहीं जीते इंडिपेंडेंट होकर के ये नहीं कि वो अपनी इच्छा इच्छा अनुसार कुछ कार्य करें और हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे समझ लो हम अपराधी हैं अपने आप ही समझ लेना चाहिए जब सूर्य चंद्र इंद्र आदि तो दूर की बात है ब्रह्मा शिव आदि भी भगवान से या भगवान के नाम से स्वतंत्र नहीं है ये लोग भी भगवत आज्ञा के अधीन रहते हैं और हमने तो खुद को ही अलग मान रखा है हम सोचते हैं आ, वो अधीन नहीं वो स्वतंत्र नहीं है वो अधीन है हम स्वतंत्र हैं या फिर अपना कोई अलग ईश्वर मान करके सोचना अरे मैं उनकी नहीं भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करना चाहता मैं उनकी भक्ति नहीं मैं तो काली भक्ति करता हूं, मैं तो की भक्ति करता हूँ वन तो 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 देवता की भक्ति करता हूँ पीर बाबा की भक्ति करता हूँ मैं तो नाग देवता की भक्ति करता भक्ति किसी और की हो ही नहीं सकती ऐसा आदमी अगर स्वतंत्र सत्ता मानता है भगवान की या स्वयं की बोले स्वतंत्र सत्ता मानने वाला व्यक्ति अपराध से मुक्त नहीं हो सकता वो अपराध की कैटेगरी में ही माना जाएगा इसलिए अगर हमें शिव ब्रह्मा जी का ये ज्ञान हो गया कि वो स्वतंत्र नहीं तो हमारी खुद की हिम्मत कैसे हो जाएगी स्वतंत्र रहने कोई कहे हाँ शिव ब्रह्मा को तो मैं मानता हूँ स्वतंत्र नहीं है लेकिन खुद को मैं स्वतंत्र मान करके चलता हूँ क्योंकि अपराध में तो ऐसा ही लिखा है ना ऐसा अर्थ नहीं है इसका मीनिंग है जब हमें ये अंडरस्टैंडिंग वास्तव में मैच्योर होगी शिव ब्रह्मा भी स्वतंत्र नहीं तो मेरी औकात कहाँ से हो गई भाई कि मैं स्वतंत्र बन गया इसलिए हम स्वतंत्र जब तक समझ रहे हैं समझ लो हम निरंतर अपराध कर रहे हैं और अपराध करने के कारण एक कृष्ण नाम हमें जो भगवान का प्रेम दे सकता था वो अनेकों बार बोलने के पश्चात भी प्रेम नाम की चीज उत्पन्न नहीं हो रही है तो ये कितना महत्वपूर्ण है इस बात को समझना हमारे लिए ये दूसरा नाम अपराध तीसरा नाम अपराध देखो साक्षात हरि तो समस्त शास्त्रीय गुरु को साक्षात हरी माना गया है और हरी नहीं हरी से बढ़कर माना गया है देखो भक्त भगवान से बढ़कर कैसे हो सकता है भक्त तो भगवान के जैसा भले हो सकता है भगवान से बढ़कर तो नहीं हो सकता भगवान भी नहीं हो सकता भगवान के जैसा कोई भी व्यक्ति जरूर बन सकता है अगर भक्ति करता है तो लेकिन भगवान जब ऐसी भक्ति तो भगवान के गुरु के बारे में क्या कहा जा रहा है बोले साक्षात हरी तो वो साक्षात हरी ही है किंतु वो प्रिय ए वो और हरि नहीं है वो तो भगवान के प्यारे भी है तो भगवान के प्यारे होने पर हाँ इस किंतु शब्द से दो अर्थ निकलते हैं किंतु शब्द से ये अर्थ निकलता है कि भाई हाँ भगवान के जैसा हमें उनको सम्मान देना चाहिए साक्षात लेकिन ये भी दिमाग में नहीं बिठा लेना चाहिए कि हाँ महाराज तो सब जानते हैं और महाराज ने बिना मेरी गलती के मेरे को क्यों डांट लगा दिया उस स्तर से अगर देखा जाए तो वहां किंतु शब्द काम करेगा ये भगवान की तरह सर्वज्ञ नहीं है भगवान जैसे सब कुछ जानते हैं ऐसे गुरुजी सब कुछ उस तरह से नहीं जानते गुरुजी जीव तत्व की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमें गुरुजी को कुछ चीजों को जनाना होगा ये भी हमें समझना होगा दूसरी ओर किंतु शब्द का अर्थ है बोले हरी नहीं है किंतु जहां लग जाता है वहां पहले की लाइन साफ हो जाती है बोले हरी बोला लेकिन बाद में किंतु लगा दिया किंतु लगा मतलब बट लगाते ऊपर का कहना एक प्रकार से अर्थहीन हो जाता है तो किंतु शब्द से हरी नहीं है ये भी सूचित हो रहा है किंतु शब्द से ये भी सूचित हो हरी नहीं है भैया हरी से बढ़कर है क्यों क्योंकि प्रिय एक दृष्ट भगवान के प्यारे हैं और जो भगवान के प्यारे होते वो तो भगवान से बढ़कर हो जाते हैं तो बोले जो भगवान से बढ़कर हैं अब जैसे शंकर आदि हैं ब्रह्मा आदि हैं जब वो स्वतंत्र नहीं है और ये भगवान से बढ़कर हैं तो उनकी अवज्ञा कैसे कर सकता हूं फिर मैं हाँ? जब स्वतंत्र शिव ब्रह्मा भी नहीं रह रहे हैं तो मुझे भी स्वतंत्र रहने का अधिकार कहाँ से आ गया तो मुझे परतंत्र किसके होना है बोले हरी से बढ़कर जो गुरु है उनके परतंत्र रहना है उनकी आज्ञा पालन करना ही पड़ेगा मेरे पास और कोई अल्टरनेट नहीं इसलिए बोले गुरुजी की अवज्ञा अगर कर दिया तो बोले हो गया नाम अपराध हरि से बढ़कर थे ना क्यों हरि से बढ़कर उनको बना लिया बोले भगवान का नाम जपते थे भगवान का नाम ही अपने हरि से बढ़कर है तो नाम जपने वाला भी बढ़कर हो जाता है भगवान की दयावश भगवान के प्यारवर हो ही जाता है इसलिए तीसरा नाम अपराध है जिसमें कि भक्त लोग और हम हर रोज ही हमेशा से करते आ रहे उन लोगों का क्या कहा जाए उन्होंने अभी तक गुरु बनाया ही नहीं है तो क्या वो अपराधी नहीं है हाँ। बोले वो तो मरे हुए मुर्दे हैं क्यों मुर्दे हैं क्योंकि अभी तो वो लाइन में ही नहीं आ पाएगी भक्ति कहाँ से आएगी गुरु से आएगी या वैष्णव से आएगी तो ना तो वैष्णवो के सानिध्य में आए ना गुरु जी के सानिध्य में आए तो फिर भक्ति कहाँ से आएगी भक्ति नहीं तो फिर अपराध होने की संभावना में तो पहले प्रवेश करें इसलिए पहली संभावना तो आग लगने की संभावना मतलब अग्नि के पास तो जाए यहाँ दो प्रकार की संभावना है भोजन भी पका सकते हैं और खुद जल भी सकते हैं तो पहले संभावना क्रिएट करें अच्छे एटीट्यूड से भाई भोजन पकाने के लिए जाना इसलिए हर व्यक्ति प्राय अच्छे एटीट्यूड से ही जाता है भक्तों की संगति करने के लिए लेकिन वहां जाकर के खुद संगति में फंस जाता है और गड़बड़ कर देता है इसलिए निंदा चुगली करने वाले भक्तों की संगति नहीं करनी चाहिए और अपने आप को स्वतंत्र नहीं मानना चाहिए और तीसरा है हमें गुरु जी का अवज्ञा कभी नहीं करना चाहिए गुरु जी वो शिव ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं जो भगवान के समदर्शी नहीं हो पाए शिव ब्रह्मा लेकिन गुरु भगवान के प्यारे होने के कारण शिव ब्रह्मा से बढ़कर है इसलिए बढ़कर होने के कारण मुझे उनके अधीन रहना है उनका आश्रय लेना है और अपने जीवन को सख्ती बनाना है अब हम सब झाँक करके देखें कि हम तीनों अपराध कर रहे हैं कि नहीं तो उल्टा उत्तर मिलेगा खूब रात दिन तीनों ही अपराध हो रहे हैं हमारे आए थे हरी भजन को मीठे के दाम यहाँ तक दाम मीठे लगे कि सोचने लगे गुरु जी हाँ का चेला बन जाता हूँ गुरु जी के पास बहुत प्रॉपर्टी है गुरु जी टपक जाएंगे तो फिर मैं ही इसका मालिक बन जाऊंगा तो हम तो दाम के चक्कर में फंस गए और फिर अपराधी बन गए फिर तो भगवान नाम का प्राप्ति जो प्रेम रूपी प्राप्ति है जो फल है वो हमें कभी प्राप्त नहीं होगा इसलिए ये विचार करने वाली बात है और यही सबसे कठिन काम है और यही हमारा दुर्भाग्य बनाता है इसलिए इन चीजों से हम बाहर आ जाएं, तो हमारे दुर्भाग्य का हम अंत कर पाएंगे और अपने सौभाग्य को जागृत कर पाएंगे जो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है जो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है धाम में तो एक एक सरोवर ऐसा है कि उसमें डुबकी लगाओ और अपना स्वरूप प्राप्त कर लो शंकर भगवान ने मानसरोवर में डुबकी लगाया तो गोपी बनकर के बाहर निकले नारद जी ने नारद कुंड में डुबकी लगाया तो गोपी बनकर के बाहर निकले इतने से ही कल्याण हो जाता है लेकिन तब होता है जब हम अपराध नहीं करते इसलिए अपराधों से हमें बचना होगा तीसरे नाम तक हम चर्चा कर चुके हैं और यही दुर्दै है और यही भगवान से हमें दूर करके बैठा हुआ है आगे अन्य अपराधों की चर्चा करेंगे आज के लिए इतना ही थैंक यू हरे कृष्णा प्रणाम सभी भक्तों को वाक विश्वकृपति धना पावन वैष्णवी हरे कृष्ण